नमस्कार, स्वागत है आपका आजमगढ़ के अंक में। मैं हूं दीपिका। आइए सबसे पहले रुख करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। नेशनल हाईवे धर्मशाला शिमला 103 पर भोटा के पास टिटवी टिक्कर में ट्रक व कार के बीच हुई जबरदस्त टक्कर, ओवरटेक करने के चक्कर में हुआ ये हादसा। सवारियों तथा वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का करना पड़ा सामना। कोरोना वायरस के चलते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी अपनी बैठकों को किया स्थगित। आगामी दिनों में आरएसएस के सभी कार्यक्रमों को नहीं मनाने का लिया गया निर्णय। कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की कही बात। हमीरपुर बस अड्डे के पास खोखा मार्केट आवंटन के मामले में कुछ खोखा धारक दिख रहे हैं नाराज। खोखों के आवंटन को लेकर एतराज जता रहे दुकानदारों ने खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा, जिसके बाद हाई कोर्ट से मिला स्टे ऑर्डर। कोरोना वायरस के चलते हमीरपुर जिला में भी चल रहे मेले उत्सवों को बंद करने का लिया गया निर्णय। उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ द्योट सिद्ध मंदिर के कपाट को आगामी दिनों के लिए किया जाएगा बंद। कोरोना वायरस की भेंट चढ़े चैत्र मास मेलों में श्रद्धालुओं को आने के लिए रहेगी मनाही।